नदीम राणा साहब जो औरंगाबाद सेंट्रल से, उनको ये बी फॉर्म दिया जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं ये पार्टी को जिता कर काम कर अच्छी तरीके से हार्ड वर्क करके जीत कर पार्टी का नाम और रोशन करेंगे। ईसा यासिन साहब को ए फॉर्म बी फॉर्म दिया जा रहा है औरंगाबाद से और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो है सो वहाँ से जीत कर लोकसभा या विधानसभा विधानसभा। आज महाराष्ट्र में एम इनकलाब पार्टी की पूरी बोर्ड कमेटी आई है और यहाँ पर मोहम्मद ईसा मोहम्मद यासिन को औरंगाबाद का खीस का कैंडिडेट चुना गया है और शेख नदीम शेख करीम को औरंगाबाद सेंटर से कैंडिडेट बनाया गया है और बाई इलेक्शन एमपी के लिए जैसो खमर साहब जो कि स्टेट जनरल सेक्रेटरी भी है उनको जैसो वहाँ से नामजद किया है बाई इलेक्शन के लिए अध्यक्ष जनरल सेक्रेटरी है पूरे महाराष्ट्र के। और इस मीटिंग में हमारे नसीर भाई नहीं है क्योंकि तो उनके भाई की कुछ तबीयत खराब होने की वजह से जो सदर है महाराष्ट्र के वापस जाना पड़ा उनको। अब मैं ये उम्मीद करता हूँ मोहम्मद ईसा मोहम्मद यासिन शेख नदीम और शेख करीम और खमर साहब से कि ये सब मिलकर जैसे पार्टी का नाम ऊपर करे और पार्टी के लिए काम करे और पीपल हुआ लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन उनके लिए काम करे और ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए काम करे। मैं इसे उम्मीद रखता हूँ। मैं बहुत मुबारकबादी देता हूँ आप लोगों को। इंशाल्लाह ताला आप पार्टी का नाम ऊपर करिए और जो है सो गरीबों की मदद करिए जो जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनका मदद करिए। मैं मोहम्मद अब्दुल खबी अब्बासी प्रेसिडेंट ए एम इनकलाब पार्टी आपके बीच में मौजूद हूँ। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी समीर साहब भी आपके दरमियान में मौजूद है। खुदा हाफिज़।